बहुत सारे साधक हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अधिक परिवर्तन उनके जीवन में नहीं हो रहा है। ऐसा क्या है? मेडिटेशन साधना टेक्निक में मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों हाँ, ये सच है, ऐसा होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में बहुत से लोग उठते हैं, चाहे वो बैच में हो चाहे वो बैच में नहीं भी हो, क्योंकि भाई हम सिर्फ आपको जितनी देर बैच होता है उतनी देर ही देख सकते हैं। उसके बाद आप जीवन में क्या करते हैं वो आपके अंदर का परमेश्वर और आप खुद देख सकते हैं। और ये बिल्कुल सत्य है, ऐसी गलती बहुत सारे लोग करते हैं जिससे ब्रह्म मुहूर्त का पूरा लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं जो हम गलती करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कोई भी तथ्य आपसे मिस ना हो। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हैं तो जितनी भी दैवी शक्तियां हैं, जितनी भी गुड सोल्स हैं, ईश्वर की जो माया है या ईश्वर की जो योग माया है, उन सब चीजों का पॉजिटिव इफेक्ट आपके अंदर पड़ता है और स्वयं ईश्वर आपके अंदर होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जो ध्यान करते हैं उनको बहुत जल्दी इन आध्यात्मिक शक्तियों का आभास होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो ध्यान करते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो ध्यान करते हैं उनकी मानसिक शक्ति बढ़ती है। ब्रह्म मुहूर्त में जो ध्यान करते हैं उनकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। और ब्रह्म मुहूर्त में जो ध्यान करते हैं उनका तेज ओज सब बढ़ते हैं। तो जब इतना सब कुछ होता है तो ऐसा क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद भी हमें बहुत लाभ फील नहीं होता है? जी हाँ दोस्तों, उसका एक कारण है, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने के बाद सो जाना। दोस्तों ये बहुत बड़ा कारण है। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप ध्यान करते हैं और ध्यान करते करते के बाद आप तुरंत बिस्तर पे सो जाते हैं, तो आपने जो भी ऊर्जा, जो भी शक्ति, जो भी पॉजिटिव वाइब्स इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से ग्रहण की, वो सोने के बाद लगभग 90% 95% नष्ट हो जाती है। मैं बैच के साधकों को भी बार बार कहता हूँ, शो ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान करने के बाद योग करिए, टहलने निकलिए। हम योग के सेशन भी कराते हैं, बीच बीच में योग के सेशन भी होते हैं जिससे कि आप सोए नहीं, क्योंकि दोस्तों नींद बड़ी बुरी चीज है। आप फीस देते हैं, ध्यान करते हैं और उसके बाद आप सो जाते हैं। अब जो खुद से करते हैं तो मुझे लगता नहीं कि वो शायद जगते होंगे, कोई विरला ही होगा जो जगता होगा, लेकिन जो जगता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। आपको ब्रह्म मुहूर्त ध्यान करने के बाद सोना नहीं है, किसी भी कंडीशन में सोना नहीं है। आप मैनेज करिए। अब आपकी नाइट शिफ्ट है, पूरी नाइट आप ड्यूटी करते हैं, सुबह ध्यान करते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो भी देर रात तक मोबाइल पर स्क्रॉलिंग करते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब देखते रहते हैं रात को 2 बजे तक बिना कारण के, वो ब्रह्म मुहूर्त का पूरा लाभ नहीं उठा सकते हैं। हाँ, अगर आप इन सब के बाद भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और उसके बाद सोते नहीं है, तो फिर आप समझ लीजिए आप जीनियस हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो भी ऐसा रात देर रात तक जागते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान भी नींद में करते हैं या मिस करते हैं, और उसके बाद वो सोते ही सोते हैं। से एक संकल्प बनाइए, रात्रि को 10-10:30 तक आपको अधिकतम सो जाना है और सुबह 4 बजे उठना है। 6 घंटे की नींद बहुत ज्यादा पर्याप्त है एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए। अगर आप 10 बजे भी सोते हैं तो 4 बजे तक आप बहुत आराम से उठ सकते हैं। 4:15 तक, 10:30 तक सोते हैं तो भी 4 बजे उठिए, क्योंकि 4 बजे का समय पकड़ लीजिए और उस समय ध्यान कीजिए और उसके बाद योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए और टहलिए। फिर आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि जो ब्रह्म मुहूर्त की ताकत है, जो ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति है, जो उसका ओज है, वो आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी पर और सबसे महत्वपूर्ण आपके जीवन चरित्र में झलकने लगेगा। और दोस्तों जब झलकेगा, जब इफेक्ट आएगा, तो आपके घर के, आपके ऑफिस के, आपके बिजनेस के, आपके सहपाठी, वो सब ब्रह्म मुहूर्त की ओर आकर्षित होंगे और आप एक प्रेरणा स्रोत बनकर काम करेंगे। बैठिए, उठिए और एक संकल्प लीजिए कि मैं सोऊंगा नहीं, पहला तो मैं उठूंगा और फिर मैं सोऊंगा नहीं। करके देखिए, कुछ दिन करके देखिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप 21 दिन के बैच में आइए। 21 दिन के बैच में क्या होता है,
आदत पड़ जाती है। लेकिन मुझे कहते हुए भी दुख हो रहा है कि 21 दिन में भी बहुत सारे साधक एब्सेंट हो जाते हैं। तो सोचिए अगर वो ऐसे एब्सेंट हो रहे हैं जो बेचारे फीस भर के भी आते हैं एब्सेंट होते हैं, तो नॉर्मल साधक कैसे ध्यान करता होगा। हाँ, अगर एक बार आपकी संकल्प की शक्ति अच्छी हो गई, आपने संकल्प ठान लिया और आप ज्यादा नहीं एक महीना अगर आप उठ गए, फिर आप सोएंगे नहीं, फिर आप कमाल करेंगे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में मुझे बताइए। और अगर कब आप ऐसा करते हैं, उठते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो भी हमें कमेंट में बताइए, जिससे कि और साधक भी प्रेरित होकर आगे आए और उठना शुरू करें। और अगर कुछ प्रश्न है तो कमेंट में कीजिए, हम उसका वीडियो बनाएंगे।